हाय फ्रेंड, तो आज मैं आया हूँ आपको बहुत बताने कि आप अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के जो सिग्नल लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको या तो आप माई एयरटेल ऐप पे कंप्लेन कर सकते हैं, या तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1-to-1 पे कॉल करें और कस्टमर केयर से बात करके आप उसे डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो कस्टमर केयर आपका नाम पूछेगा, जिस नाम से आपका मतलब अकाउंट बन खुला हुआ है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेगा। उसके बाद आपको बात करनी है, आपको बताना है कि मेरा टेक्निकल इशू आ रहा है, सिग्नल लॉस प्रॉब्लम बता रहा है। तो देन वो आपको मतलब देन वो कस्टमर केयर वाले आपके नंबर को सर्विस लिस्ट में डाल देंगे। तो देन आपको इंजीनियर कॉल करेंगे, देन आपको बात करना, तो कॉल करके आपको अपने एरिया पे बुला लेना, तो देन वो आपका चेक कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल एयरटेल एक्सट्रीम से स्प्रिंग फाइबर का बॉक्स वाला कि किस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है, दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आज हमारा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में सिग्नल लॉस प्रॉब्लम आ चुका है। तो यहाँ सिग्नल लॉस, लाइट ब्लिंक कर रहा है, रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है यहाँ पास। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि ये येलो वाला वायर को थोड़ा निकाल के साफ़ करिए। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो कुछ भी रिजल्ट इसमें नहीं आया। तो देन मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, तो बोला उन्होंने कि मैं 3 दिन पहले मैंने कॉल किया था। तो उन्होंने इंजीनियर को बोला, तो इंजीनियर ने मेरे को कॉल किया, तो कॉल किया तो बोला अभी 1 घंटा में आ रहे हैं। उसके बाद वो इंजीनियर कॉल उठा रहा, फिर मैंने कॉल किया तो बोला ठीक है, मैं दूसरे इंजीनियर को आपका कंप्लेन दे रहा हूँ, तो आप वेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने इस टाइप से ही स्टेप फॉलो किया तो मेरा प्रॉब्लम रिसॉल्व हो गया। तो आप भी अपना प्रॉब्लम इस टाइप से रिसॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और बाकी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि कितने दूर पे कनेक्शन ले सकते हैं, तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, कितना दूर तक कनेक्शन मैक्सिमम ले सकते हैं। तो ओके, तो बताऊँगा मैं।